हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि क्लास 11 की बायोलॉजी का है और उसका लेक्चर नंबर 3 और ये लास्ट लेक्चर भी होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तुम्हारे 11th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ साथ में तुम्हारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो समझते हैं एंजाइम्स को, बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है एंजाइम्स के बारे में। एनसीईआरटी कह रही है ऑलमोस्ट लगभग ऑल एंजाइम्स, काफी मोटा हो गया भैया ये, ओके, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सबके सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के सारे, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है यहां पर एक, एक्सेप्ट देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? बोल गए पलटो पन्ने, पहुंचो न्यूक्लिक एसिड, है ना। 4 मैक्रोमोलिक्यूल जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड, याद आया? हाँ, डीएनए एंड आरएनए, ओके। उस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए को अगर हम हटा दें, केवल किसकी बात करें? आरएनए की। कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जिनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? कैटालिटिक। देखो एंजाइम्स को अगर मैं डेफिनेशन वाइज चलें तो एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट वर्ड आ गया तो समझ लेते हैं, है ना, आगे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। बायो को हटा दें तो बचा क्या? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? जैसे किसी का नाम राम है वैसे किसी का नाम क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हर उस सब्सटेंस को कहेंगे जो मेरी रिएक्शन को क्या करेगा? फास्ट करवाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए से मैं बी जा रहा हूं, ठीक है, ए से बी बनने में 10 मिनट लगते हैं। मैंने यहां पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? कैटलिस्ट। अब यही मेरे को 2 मिनट में मिल जा रहा है, तो रिएक्शन मेरी क्या हो गई? फास्ट हो गई। मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया? फास्ट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। और अगर कोई चीज हमारी लिविंग सिस्टम में, हमारे सेल्स में यही काम कराता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। और जो बायो कैटलिस्ट है उनको एक नाम दिया गया हमारे, क्या नाम दिया गया? एंजाइम्स। क्लियर है? ओके। और उसमें भी एंजाइम जो होते हैं लगभग सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट सम, जिनको छोड़ दिया जाए। इन जो न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए बिहेव करते हैं एंजाइम को, इनको हमने एक खास नाम दे दिया, राइबोसाइम। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसाइम। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोसाइम। क्लियर हो गया? ठीक है ना, ओके। तो जो जो प्रॉपर्टीज हमने प्रोटीन्स की करी थी वही वही सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? एंजाइम्स की होगी, भूलना नहीं। क्यों? बने तो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर होता है, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता अपने आप को कि वो, याद आ रहा है गोला गोला क्या कर रहा हूं मैं ये, है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर पता नहीं कैसे हाथ हिला रहे हैं। अरे भैया टर्शरी स्ट्रक्चर याद है एंजाइम का, ये वाला? हाँ, कुछ लोग को याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन ही होती हैं, कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगी कि कैसे बिहेव करेंगी, एंजाइम की तरह। क्लियर है? ओके ओके। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम, ठीक है ना। कोई वन कैन, यानी कि हम लोग उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एंजाइम को बाय अ लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम मतलब वही, खोलो उसको, प्रोटीन है तो प्रोटीन ही ना, तो उसको खोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, कोई भी एंजाइम हुआ किसी एनी प्रोटीन की तरह, हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली बात है, बना किसका? प्रोटीन की तरह बना हुआ ना, उसका क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो लोग भूल गए पन्ने पलट लो, वीडियो छोड़ दो, यहां पर नहीं याद प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। जो हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पढ़े थे उनको रिवाइज कर लो, और जिनको पता है आओ साथ में चलते हैं आगे, ठीक है। डेट इज अमीनो एसिड का सीक्वेंस, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद लगा हुआ है? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। एंजाइम के पास 3 स्ट्रक्चर वैसे ही मौजूद होते हैं जैसे कि प्रोटीन के पास होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ओके। फिर क्या कह रहा है? व्हेन यू लुक एट अ टर्शरी स्ट्रक्चर, फिगर 9.4b, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ,
द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हैज मैनी सर्विसेस। अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं 9.4b डायग्राम खोल लो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। मैं यहां पर समझाता हूं, जो इस तरीके से ये बने हुए, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, ओके। इस तरह का छोटा सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, यही तो है टर्शियरी स्ट्रक्चर, खोल लिया सब लोगों ने 9.4b, ओके। यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड, जो इसकी मेन प्रोटीन चेन है अपने आपको फोल्ड कर ले रही है ना, उसको बैकबोन बोला गया। अपॉन इट्सेल्फ द चेन क्रिस क्रॉसेस इट्सेल्फ, अपने आप को ही क्रॉस करती हुई जा रही है ना, एक ऐसे फिर ऐसे ऐसे, है ना, ये क्रिस क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। एंड हैंस मैनी सर्विसेस या सर्विसेस और पॉकेट्स आर मेड। अब देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है ये देख रहे हो, ये पॉकेट्स बन रहे हैं, एक पॉकेट ये बना, एक पॉकेट ये बन गया, ठीक है ना। ये जितने भी तुम देख रहे हो खांचे टाइप के खांचे, इनको पॉकेट बोला गया या क्या बोला गया, सर्विसेस बोला गया। यही वो हिस्से होते हैं, यही वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या, मान लो कोई केमिकल है वो इसी पार्ट में आकर के फंस जाता है, मान लो केमिकल यहाँ फंस गया, फिर एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा और इसको फिर दो टुकड़ों में तोड़ करके बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है, तो यही वो पॉकेट है, ठीक है। तुम लोगों ने कुछ डायग्राम ऐसे देखे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाओगे इसको, जो तुम लोगों ने अभी तक डायग्राम देखे होंगे कुछ वो ऐसे देखे होंगे, हल्का हो गया है ना, तुम लोगों ने ऐसे देखे होंगे कि टीचर लोग तुमको ऐसे समझाते होंगे, ये याद आया है ना, हाँ बहुत लोगों याद आया। इसके ऊपर आकर के एक सबस्ट्रेट आकर के यहाँ फिट हो गया, फिर यही आकर के बाद में आकर के टूट जाएगा है ना, यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, ब्रेक पड़ जाएगा और ये दो पार्ट में टूट करके इस तरह से दो प्रोडक्ट में बदल जाता है। याद आया इस तरह का डायग्राम, तो एक्चुअल में ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, रियलिटी ये है कि ये कुछ ऐसा ही रहता है और ये जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पर आकर के फिट होते हैं और यही पॉकेट्स होते हैं जो एक्टिव साइट होती हैं, यही पॉकेट्स होती हैं जो क्या होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं, जहाँ पर आकर के मेरा केमिकल फिट होता है और इस केमिकल को ये एंजाइम क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। क्लियर है बातें, तो मेरे ख्याल से ये लाइन अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, यू विल नोटिस द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन एक जैसे मेन चेन थी, फोल्ड हो जाती है, उसको बैकबोन बोला गया। अपॉन इटसेल्फ द चेन क्रिस क्रॉसेस, चेन आपस में ही एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो इस तरह की फोल्डिंग बन जाती है, क्लियर। हैंस मैनी सर्विसेस और पॉकेट्स, इनको बोला गया पॉकेट्स, ये खांचे बन गए यहां पर, आर मेड, ठीक है। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, ऐसी एक पॉकेट एक एक्टिव साइट होती है, यानी कि पूरा एंजाइम है उसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स होंगे तो बहुत सारी एक्टिव साइट हो सकती हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट, है ना, ओके। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्विसे और पॉकेट इनटू विच, एक्टिव साइट क्या है, यहां से लाइन एक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है। एंजाइम की एक्टिव साइट वो जगह है या वो पॉकेट है, वो पार्ट है, इनटू विच सबस्ट्रेट फिट। अब यहां पर जो केमिकल आकर के यहां पर फिट हो रहा है जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, तो जिसके ऊपर काम किया जाता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये हो गया मेरे पास सबस्ट्रेट, ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है। एंजाइम, ये क्या है मेरे पास, एंजाइम, यहां पे हम बात करें तो ये पॉकेट हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास, सबस्ट्रेट हो गया। बात समझ में आ रही है, चाहे ऐसे डायग्राम में समझें चाहे वैसे डायग्राम में समझें, क्लियर है। तो अब फिर से देखते हैं, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, इज अ पॉकेट और सर्विसे इन टू विच द सबस्ट्रेट फिट, सबस्ट्रेट आकर के फिट होगा, क्लियर है। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, इस प्रकार एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के द्वारा कैटलाइज रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, फास्ट कराएगा एट हाई रेट, है ना, ओके। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, कह रहा है जो एंजाइम कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मैंने बताया था ना, कोई भी जो रिएक्शन को फास्ट कराएगा, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पैलेटियम, निकल पढ़े है ना, बस उनकी बात कर रहा है, कह रहा है उनसे अलग है। एंजाइम कैटलिस्ट
डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। देखो ये जो यहां पर ना एनसीईआरटी की ये मैं पहले बता चुका खासियत है, वो एक लाइन यहां पे बता के फिर एक अलग ही लाइन स्टार्ट कर दी, तो तुम लोग हर लाइन को रोक करके उसमें एक लाइन में क्या समझाया है कुछ नई बात बताई है एंजाइम के बारे में, उन पॉइंट्स को अलग करते हुए चलना है, ठीक है ना, एकदम लगातार पैरावाइज पढ़ते हुए नहीं चले जाना है, क्लियर। अब यहां से स्टार्ट कर दिया उसने डिफरेंस का, एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो कह रहा है अंतर है बिल्कुल सेम नहीं होती है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, ठीक है ना, एक मेजर डिफरेंस की हमें यहां पे जरूरत है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेंपरेचर, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वर्क एफिशिएंटली बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं हाई टेंपरेचर पर, ओके एंड हाई प्रेशर पर, व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेंपरेचर से अबव 40 डिग्री, 40 डिग्री के ऊपर ना एंजाइम सारे खराब हो जाते हैं, प्रोटीन है डीनेचर्ड हो जाती है। प्रोटीन कैसी हो जाती है? डीनेचुरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं मेरा जो एक गोला है, जब अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो ये जो गोल 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 बना हुआ ना, ये एक स्ट्रेट चेन की तरह खुल जाएगा। जब ये चेन की तरह खुल गया तो पॉकेट सारे खत्म हो गए, पॉकेट सारे खत्म हो गए और ये क्या हो गया, बेकार हो गया, अब ये एंजाइम की तरह काम कर ही नहीं पाएगा। तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ता है, सुनना बात को, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बुखार आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, अगर 103-104 जा रहा है नहलवा देगा या शरीर को ठंडे पानी से पुछवाता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो जो हमारे दिमाग में रिएक्शन हो रही है एंजाइम्स करवा रही है, वो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगी, डीनेचर्ड होते ही वो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी और ब्रेन का क्या हो सकता है, कोमा में जा सकता है और कोमा में जाने के बाद डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उस टेम्परेचर को डाउन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारी बातें क्लियर हो रही हैं, आगे आते हैं। तो समझ में आ रहा है एनसीईआरटी खजाना है ना, हर पॉइंट, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, किस लाइन में क्या दिया हुआ पता नहीं। आगे एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे यहाँ पर, अब क्या कह रहा है, हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है, एग्जाम्पल हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग, कुछ एंजाइम, कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह ऐसे हैं जो 100-100 डिग्री पर रहते हैं, तो उनके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो 100 डिग्री पर सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट टेम्परेचर 80-90 डिग्री, जो ऑर्गेनिज्म ही हाई टेम्परेचर पर रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर का एंजाइम भी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले जाएगा। पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, जब यहाँ पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, उसके अंदर हमने बैक्टीरिया पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया, उसमें 3 कैटेगरीज थी है ना, उसमें एक हॉट स्प्रिंग वगैरह में रहने वाले बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो जब वहाँ की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से एक नया पार्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बताना चाह रहा है वो, यहाँ पर बताना चाह रहा है वो क्या, वो ये बताना चाह रहा है कि क्या एंजाइम हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी बॉडी की बात, ह्यूमंस की बात करें तो 40 डिग्री से ऊपर सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो 80 से 90 डिग्री पर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है, वो जो जिसके अंदर पाए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को भी 80-90 डिग्री पर सर्वाइव करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक मतलब लविंग, थर्म मतलब हीट, हीट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके अंदर से जो हम ये निकालते हैं, ठीक है, उनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कुछ जनरल बातें एंजाइम के बारे में, अब हम बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये था जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है ना, आगे आते हैं। क्या कह रहा है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शंस, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम, हम इन एंजाइम को समझे कैसे, क्या है ये। मैंने कहा ना बुक हमेशा बात करेगी, एनसीईआरटी की खासियत है, मैथ पढ़ो साइंस पढ़ो कुछ भी पढ़ो वो हमसे बात करती हुई चलेगी। अब वो सवाल कर रहा है तो तुम्हें सोचना है भाई कैसे काम कर, कैसे समझें इसको हम लोग। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन, कह रहा है आओ पहले एक केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। कह रहा है केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, कोई एक केमिकल कंपाउंड दो तरह के चेंजेस होते हैं उसके अंदर। अब फिजिकल चेंज जैसे कि हम कह सकते हैं बर्फ से पानी बन गया, फिजिकल चेंज आ गया, सॉलिड से लिक्विड आ गया, ठीक है। सिंपली रेफर टू चेंज इन शेप, यानी कि जाहिर सी बात है फिजिकल चेंज में क्या हो जाएगा, सिंपली इन शेप, है ना। जब फिजिकल चेंज होगा तो सिंपली क्या होगा उसका, क्या कहते हैं, शेप में चेंज आ जाता है, जैसे सॉलिड से पानी हुआ, ओके, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहां पे किसी टाइप की बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हुई है, दिस इज अ
फिजिकल प्रोसेस, यानी कि सिंपली जब स्टेट चेंज हो रही है तो उसको बोला गया फिजिकल प्रोसेस, सबको पता है ये। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो एक और बता रहा है चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि हम शेप को चेंज कर दें, है ना, क्या चेंज कर दें, शेप को चेंज कर रहा है, यानी कि हम कोई और चीज़ ले लें जिससे कि शेप चेंज हो सकती है, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है। एक और फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बदल जाता है, ठीक है। दो तरह के चेंजेस आ गए, एक में शेप बदल रहा है, एक में स्टेट बदल रहा है, व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिस विल बी कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। अब वो कह रहा है ये सब तो ऊपर की बात छोड़ दें, तो ये सब था केमिकल फिजिकल वाली, लेकिन जब बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं किसी चेंज के दौरान ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बातें। तो कह रहा है बैरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से H टूटा, बैरियम चला गया सल्फेट के साथ और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या आ गया, बाहर आ गया मेरे पास, है ना, बैरियम सल्फेट और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आ गया। उसने इसका एग्जाम्पल दे दिया हमको, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल इज दिस रिएक्शन इज एन इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है, ये कैसी है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन की मौजूदगी नहीं है इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इनऑर्गेनिक। क्लियर है ना, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, अब स्टार्च में क्या होता है, कार्बन होता है, स्टार्च किसका बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, इंटू हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इंटू ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च का टूटना किसमें, ग्लूकोज में, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर सिंपल सी बात बोल दी है, क्वेश्चन आ सकता है, एक ये दे देगा एक ये दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, बड़ा सिंपल सा होता है, बेसिक क्वेश्चन बच्चा दिमाग में नहीं रखता, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहां पर उसने बात कर दी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की, क्लियर है, चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द, अब यहां से बिल्कुल ही अलग लाइन चालू कर दी उसने, अलग कर लेते हैं, एक नई बात बता रहा है, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, रेट मतलब कोई चीज जो बदल रही है, ए से बी जा रही है, जैसे मैं बता रहा था अभी, यहां पर ए से बी जा रही है, तो कितनी देर में जा रही है, कितनी देर में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर रेट क्या है, इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसको ऐसे समझे तो कुछ बच्चे जल्दी समझेंगे, प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, कितनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, भाई जितना चेंज रिएक्टेंट में होगा उतना ही चेंज तो प्रोडक्ट में आएगा, जितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो रेट, कोई चीज कितनी जल्दी बदल रही है, तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो अपनी बायोलॉजी है उसमें केवल प्रोडक्ट की टर्म में डिफाइन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अदरवाइज केमिस्ट्री में चले जाओगे तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे इसको हम लोग, सॉरी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट, डेल्टा मतलब दिस इज, इसका मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर किसी खास डायरेक्शन में ए से बी ही जा रहा है तो हम इस रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगा। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक नई लाइन आ गई, रेट फैक्टर अफेक्टिंग रेट, है ना। रेट चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, उसको कौन कौन चीजें अफेक्ट करेंगी, इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होते हैं बाय टेम्परेचर, ठीक है, अमॉन्ग अदर फैक्टर्स। मेन यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम का जिक्र हो रहा है ना, इसीलिए मेन यहाँ पर क्या लिया गया है, टेम्परेचर लिया गया है। क्लियर है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स इफ डिक्रीज बाय, क्या कह रहा है, एक जनरल रूल, एक थंब रूल याद रख लो, ऑलवेज ट्रू नहीं बट जनरल ऐसा रहेगा, द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ, रेट या तो दुगना हो जाएगा या आधा हो जाएगा, क्या कह रहा है,
फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर 10 डिग्री बढ़ेगा तो दुगना हो जाएगा, 10 डिग्री कम होगा तो आधा हो जाएगा रेट। क्लियर है ये वाली बात भी, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पढ़ रहे हो यहाँ मेंशन कर लेना, ठीक है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं 12th, उनके लिए अच्छी बात है, समझ जाएंगे वो। क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक मेंशन कर लेना इसको, जो बच्चा भी 11th में है, ठीक है ना। ताकि जब ये वापस इसको रिवाइज करेंगे क्लास 12th में आगे नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको कोरिलेट कर पाएंगे इस लाइन को वहां से। क्लियर है, ओके। कैटलाइज रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। कह रहा है जो कैटलाइज रिएक्शन हो रही है, जो कैटलाइज रिएक्शन है प्रोसीड बढ़ती है आगे एट अ रेट वास्टली हायर देन, बहुत वास्ट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत हायर होती है अनकैटलाइज्ड वन, ठीक है ना। वो रेट मतलब यहाँ तो मैंने 10 और 2 मिनट का दिखाया था तुम लोगों को पीछे, अभी तुम लोगों को ध्यान होगा मैंने किसका दिखाया था, ए से बी दिखा रहा था। कितना, एक 10 मिनट था, एंजाइम आ गया था 2 मिनट था, बट ऐसा नहीं होता। अगर ये 10 मिनट है तो ये 2 सेकंड में ही हो जाएगा, इतना बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज आता है, ठीक है ना। तो कैटलाइज रिएक्शन और अनकैटलाइज रिएक्शन का रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। व्हेन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, जब हमने एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को ऑब्जर्व किया द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है ना। उसमें भी क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रहा है आओ देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसकी मौजूदगी में CO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। बात समझ में आ रही है, अब देखो जरा बात समझना। ये अभी रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हो, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पे भी ये रिएक्शन आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी के साथ मिल करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड, और ब्लड में आ जाती है, ठीक है ना। फिर ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, इसके आगे एक और रिएक्शन आती है, ये टूट जाएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, फिलहाल बता देता हूँ, H+ और HCO3 में, और फिर ये ट्रांसफर हो जाती है कहाँ, लंग्स के पास। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, अभी इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, वो बढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो और ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है CO2 का वाटर के साथ मिलना किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और ये बना क्या रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। अब इसके बारे में यहाँ NCERT क्या कहना चाह रही है उस पर फोकस करते हैं हम लोग पहले, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है ना। किसी एंजाइम की एब्सेंस में ये रिएक्शन बहुत धीमी हो जाती है, विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। एक घंटे में मात्र 200 मॉलिक्यूल बनते हैं अगर एंजाइम को हटा दें, इस एंजाइम को हटा दें तो कार्बोनिक एसिड के मात्र 200 मॉलिक्यूल बनेंगे एक घंटे में। हाउएवर, लेकिन फिर भी बाय यूजिंग द एंजाइम, ठीक है, लेकिन अगर हम एंजाइम को यूज करते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि कहां मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। फिर से, बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है, विद इन द साइटोप्लाज्म, कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली, जबरदस्त तरीके से रिएक्शन इस रफ्तार पकड़ता है, विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बींग फॉर्म एवरी सेकेंड। कैन यू इमेजिन, 200 मॉलिक्यूल एक घंटा, एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, कितना फास्ट रिएक्शन है, इमेजिन इट, है ना। कैटलिस्ट कितना फास्ट हुआ, ये कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है ना। देखो यही फास्ट रिएक्शन, अगर एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, एंजाइम काम करना बंद करेगा। अब इतने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है हमें एक बार में, अगर इतने मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, बनना ही चाहिए इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे आते हैं, बींग फॉर्म द एंजाइम हैज एक्सीलरेटेड द रिएक्शन बाय अबाउट 10 मिलियंस टाइम्स, छोटा मोटा नहीं भैया, 10 मिलियंस, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, है ना, लिख लो जिन लोगों को नहीं पता, ओके। तो ये एक बहुत जबरदस्त, ये समझा करके ना एक चीज समझा जा रही है कि कितना जबरदस्त तरीके से हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल, अद्भुत, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, सच में जो पावर ऑफ एंजाइम है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है,
समझ रहे हो बात को, किताब बात कर रही है। अगर आपकी इंग्लिश बेटर है तो इसको को पढ़ने बड़ा मजा आएगा। बायो एक बड़ा ही मजेदार चीज है ना। आओ देखते हैं आगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम, हजारों टाइप के एंजाइम है। ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, हर कोई अपना एक यूनिक अलग अलग रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सबको कर देगा। हाँ, एक एंजाइम दो तीन को कर सकता है, बट सबको नहीं करेगा। हर रिएक्शन के लिए अपना एक खास एंजाइम मौजूद है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है? अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। अब यहां पर एक डेफिनेशन आ गई है कि भैया मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। कह रहा है कि एक कोई एक रिएक्शन ले लो मल्टी स्टेप, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, है ना। पढ़ेंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, उसमें ग्लाइकोलिसिस आने वाली है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है व्हेन ईच ऑफ द स्टेप कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम। या तो हर स्टेप को सेम ही एंजाइम कैटलाइज्ड करे, ऐसा भी हो सकता है, या डिफरेंट एंजाइम या अलग अलग एंजाइम कर सकते हैं। इस मल्टी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, केमिकल रिएक्शन का रास्ता। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया मैंने, कहा था प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ग्लूकोज किस में बदल जाता है? एक ग्लूकोज 2 moles ऑफ पायरविक एसिड में बदल जाता है। ये सारी रिएक्शन है ना, ये सब आगे जाके रिपीट हो जाएंगी तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 7-8 स्टेप की रिएक्शन है, पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में। फिर कह रहा है एक ये है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहां पर ये कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। तो ये भी क्या है एक मेरे पास, ये ग्लूकोज और ये पायरविक एसिड, सॉरी ये क्या मेरा पायरविक एसिड है, केमिकल फॉर्मूला दे रहा है इसका ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है इसका, पायरविक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। एक ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 moles ऑफ पायरविक एसिड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरविक एसिड, ठीक है। कह रहा है कि ये इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज किसे बदल जा रहा है, पायरविक एसिड में बदल जा रहा है, थ्रू 10 different enzymes। यहां पर 10 अलग अलग enzymes का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 14, ठीक है ना, यानी कि चैप्टर 14 आएगा हमारे पास, कहाँ, प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर इसके बारे में डिटेलिंग होगी। यू विल स्टडी दीज रिएक्शन, इस रिएक्शन को तुम क्या करोगे, स्टडी करोगे। ओके, एट दिस स्टेज यू शुड नो, यहां पर तुमको पता होना चाहिए दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे, ये जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे है, विद 1 or 2 additional reactions गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ये वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक, सॉरी फिर से देखते हैं, एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट, तुमको जाना चाहिए दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 additional reactions, एक या दो से ज्यादा एडिशनल रिएक्शन हो सकते हैं इसमें, ठीक है, रिएक्शन के साथ, गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट दे सकता है इन अवर स्केलेटल मसल। जैसे कि कैसे, देखते हैं, अंडर एनएरोबिक कंडीशंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता है तो पायरविक एसिड में नहीं बदलेगा। हमारी मसल्स में जब हम लोग बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, मसल्स में क्या होती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, ग्लूकोज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो वहां पर कैसा ऑक्सीडेशन हो जाता है, एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज किसे बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। तो ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई, ठीक है ना। यही सेम रिएक्शन कुछ एक दो एक्स्ट्रा स्टेप के साथ कुछ और फाइनल प्रोडक्ट भी दे सकता है, ठीक है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म, नॉर्मल कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। अगेन ये सब क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम के, एनारोबिक कंडीशन भी आगे रिपीट हो जाएंगे कहीं ना कहीं पर। एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बदल रहा है। तो यहां पर तुम लिख सकते हो ग्लूकोज चेंज हो रहा है लैक्टिक एसिड में भी, ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड में भी। ये है एनारोबिक कंडीशन, ये है एरोबिक, यानी कि O2, ये विदाउट O2। बात समझ में आ रही है, ये कहां हो रहा है, स्केलेटल मसल में हो रहा है ये। इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब उसको हम फर्मेंटेशन कराते हैं ना, द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, यही पाथवे, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो किसमें बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। जो हमारा ब्रिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर अल्कोहल बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, वहाँ पर ईस्ट की हेल्प से हम लोग इसी ग्लूकोज को, जो गेहूं वगैरह होता है सड़ा गलाकर उसमें क्या डालते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, वही ईस्ट इसी ग्लूकोज को किसमें बदल देती है, अल्कोहल बदल देती है। हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, इसीलिए सेम रिएक्टेंट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है। बात समझ में आई, क्लियर है, चलें आगे।
बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्या कह रहा है ये, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच अ हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। आखिरकार अब ये सब बातें हो गई, यहाँ पर कुछ बातें हो गई कि अलग अलग रिएक्शन प्रोडक्ट दे देगा, कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ा हमने, अब कह रहा है आखिरकार एंजाइम इतना हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन कैसे कर पाता है, हाउ, कर क्या देता है वो कर क्या देता है कि इतना फास्ट रिएक्शन हो जाती है, समझे, गुड, आ जाओ। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर, हमको एंजाइम को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट, हम लोग एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हम लोग एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन, ठीक है, क्या कह रहा है, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन, ठीक है, द केमिकल विच कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, समझते चलो, ठीक है, वापस आते हैं, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन, कोई केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम बोल दिया, रिएक्शन बोल दिया, ठीक। द केमिकल विच कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट, कोई केमिकल अगर प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सट्रेट बोलेंगे, ठीक है। द केमिकल, इस केमिकल को विच कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट, यानी कि मान लो जैसे अभी ग्लूकोज पायरविक एसिड में बदल रहा था, कौन, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज किस में बदल रहा था, पायरविक एसिड में, तो जो ग्लूकोज हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सट्रेट बोलेंगे, क्लियर, लिखते चलो, यही सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। Hence, enzyme that is protein, जो कि एक प्रोटीन है विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसका जब गोल गोल ऐसा बन जाएगा, थ्री डी स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर क्या है, एक्टिव साइट है, कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इंटू अ प्रोडक्ट पी, यानी कि अब इस पूरी बात जो हमने यहाँ सीखी किसको क्या कहेंगे, उसके बाद वो उन सारे शब्द एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को यूज करके एक सेंटेंस बना रहा है, कह रहा है अब हम ये समझेंगे ऐसे, एंजाइम जो कि एक प्रोटीन है विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसके पास एक्टिव साइट होती है, कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट होने की जिसके ऊपर एक्ट करेगा इनटू अ प्रोडक्ट, उसको किसमें बदल देगा, प्रोडक्ट में बदल देगा। सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपेक्टेड है, सिंबल से हिसाब समझे तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ओके। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम, तो सबस्ट्रेट एस है उसको एंजाइम से बंधना होगा एट एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब खांचा जो दरार है, ठीक है, और पॉकेट, उसी पॉकेट में उसे बंधना होगा, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, सबस्ट्रेट को डिफ्यूज करना होगा, हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, यानी कि जो सबस्ट्रेट होते हैं, यानी कि हम बात करें ये मेरे पास पॉकेट बने हुए हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से बना लेते हैं, तो जो सबस्ट्रेट है, मान लो मेरे पास एक कोई सबस्ट्रेट है, तो इसको डिफ्यूज होना पड़ेगा, डिफ्यूज होने की सबस्ट्रेट अपने हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाएगा, जिस तरफ कंसंट्रेशन कम है, यानी कि एंजाइम की तरफ जाएगा, और ये आकर के यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो रहा है आकर के, क्लियर है, तो डिफ्यूज होने का सिंपल सा मतलब है जो हमारे सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ, अब जब वो डिफ्यूज होगा तो यहाँ पर एक चीज बन जाएगी ई एस, यानी कि अगर इसको मैं ई का नाम दे दूं, इसको मैं S का नाम दे दूं, तो E प्लस S मिल करके क्या बन गया, एक ES कॉम्प्लेक्स बन गया, जुड़ गए दोनों, ठीक है। E स्टैंड फॉर एंजाइम, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमेना, ये एक ट्रांजिएंट फिनोमेना, थोड़ी देर रहेगा फिर खत्म हो जाता है, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, ट्रांजिएंट है ना। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, वो अवस्था जब सबस्ट्रेट बंधा हुआ है किससे, एंजाइम से, टू द एक्टिव साइट, जब एक्टिव साइट बंधा हुआ, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म, अब क्या हो गया है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, एक नया स्ट्रक्चर, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एक नया स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। वेरी सून, बहुत जल्दी, आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग पब्लिक मेकिंग इज कंप्लीटेड, जो बॉन्ड हमने सोचा हुआ टूटेगा बनेगा वो जब हो जाता है, तो प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से अलग हो जाएगा, हम लोग पीछे देखे थे अभी, ठीक है ना, सब कुछ जब घटनाएं घट जाएंगी तो उसके बाद यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बढ़िया, ठीक है, टूट करके दो पार्ट इसके अलग हो गए, थोड़ा बड़ा बनाया ताकि दिख जाए, ओके, प्रोडक्ट क्या हो गया, रिलीज हो गया,
ये मेरा सब्सट्रेट था, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? ओके, स्ट्रक्चर फॉर्म। अब जा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है सब्सट्रेट का ट्रांसफॉर्म हो गया है इंटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में बदल गया है। द पाथवे ऑफ दिस, क्या कह रहा है, आओ देखें, कह रहा है द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ये जो रास्ता गया है सब्सट्रेट से प्रोडक्ट का, ये जरूर 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 मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट, एक अवस्था ऐसी जरूर आई होगी जब ये चेंजिंग हो रही होंगी, ये कॉम्प्लेक्स बंधा हुआ है उसको वो चेंज कर रहा है। क्लियर है, देयर कुड बी मैनी मोर आल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सब्सट्रेट एंड द प्रोडक्ट। कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल स्टेट संभावना है, मैनी मोर देयर कुड भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो हमने ट्रांजिशन की बात करी वहाँ पर एक अल्टर्ड बदल बदल के बिटवीन द स्टेबल सब्सट्रेट एंड द प्रोडक्ट, जो सब्सट्रेट और प्रोडक्ट के बीच की जो अवस्थाएं हैं वो कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स आर अनस्टेबल। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या इम्प्लिसिट करने की कोशिश की जा रही है, एक सब्सट्रेट एंजाइम से जुड़ गया, उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ बनने की संभावनाएं हैं, फिर वो फाइनल एक दूसरे प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये मेरा पहले सब्सट्रेट, ऐसा समझ लेते हैं ये सब्सट्रेट था, ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो शेप वेप सब चेंज होता रहेगा और फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये एक स्टेबल है, ये एक स्टेबल था, यहाँ जब बीच में है ना इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर, और वो सारे के सारे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। वो सारे सारे कैसे हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स आर अनस्टेबल हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग, अब वो क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस, ठीक है। अब जो बच्चे, ठीक है, अभी तो ये तुम लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है, समझेंगे इसको, अभी थोड़ा समझा दूंगा मैं, अभी पढ़ते हैं पहले क्या बोल रहा है ये। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है एनर्जी स्टेटस, क्या एनर्जी स्टेटस से हमको समझना है, ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हैंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियल मतलब इस ग्राफिक में देखने की कोशिश करेंगे, ग्राफ में थ्रू अ ग्राफ इट लुक लाइक समथिंग एज फिगर इन 9.6। तो चलो आओ पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं, अब फिर हम आगे आते हैं। देखो बच्चों बात को समझना, ओके क्या कहना चाह रहा है, ये सब्सट्रेट था बिना एंजाइम के, किसके बिना एंजाइम के, मेरे को इस सब्सट्रेट को, यानी कि इसके पास एक ऑलरेडी कुछ एनर्जी मौजूद है, ये एनर्जी इसके पास ऑलरेडी कुछ मौजूद एनर्जी है। कहाँ से आई है एनर्जी, सराउंडिंग में टेम्परेचर है, हीट वगैरह, इतनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास रहती है, ठीक है। अब अगर बिना एंजाइम के मैं सोचूं कि मेरी रिएक्शन हो जाए तो इसको इतनी एनर्जी और चाहिए होगी, ठीक है ना, इतनी एनर्जी और चाहिए होगी, और ये वो एनर्जी है जब मेरा फाइनली जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये जो स्टेट आ जाती है यहाँ पर, ये आती है ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कुछ कुछ बदलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, बिना एंजाइम के इतनी ज़्यादा है। क्लियर है, जैसे ही मैंने एंजाइम का इस्तेमाल किया तो मेरे को मात्र इतनी ही एनर्जी चाहिए अब, यानी कि पहले मान लो मैंने एनर्जी दी, ठीक है, यहाँ मेरे पास 100,000 मॉलिक्यूल थे, एग्जांपल समझने के लिए समझा रहा हूँ मैं, समझना बात को, 100,000 मॉलिक्यूल है। अब इसमें से मान लिया 100,000 में से समथिंग 60 है ना 40 मान लेते हैं, 100,000 में से 10,000 मॉलिक्यूल ही ऐसे थे जो यहाँ तक पहुँच पाए, उनको इतनी एनर्जी मिली सबको, बट गई, वो बटने की वजह से हुआ क्या, सिर्फ कुछ 10,000 मॉलिक्यूल ही यहाँ तक पहुँच पाए, जबकि इस लेवल के ऊपर करीब करीब कितने थे, 90,000 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन मात्र 10,000 ही कर पा रहे हैं, क्यों, 10,000 वो हैं केवल जो इसके ऊपर जा पा रहे हैं। तो एंजाइम ने क्या किया, इस लेवल को नीचे ले आया, उसने कहा कि मैं इस लेवल को इतना नीचे कर दूंगा कि 90,000 के 90,000 मॉलिक्यूल खटाक से क्या होंगे भाई, वो सब इस एनर्जी के ऊपर आ जाएंगे तो सब फटाक से किसम बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो एंजाइम केवल क्या करेगा, जो एनर्जी चाहिए होती है ना उसका लेवल डाउन कर देता है, अब थोड़ी बहुत एनर्जी थोड़ी बहुत मिली जाती सबको, वो सब के सब किसम बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। क्लियर है, अब समझो बात को, ठीक है।
तो यहां पर हुआ क्या, जब ये प्रोडक्ट में बदल गया, अब प्रोडक्ट में बदलने के बाद जो इनको एनर्जी मिली थी, एनर्जी की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। अभी जो एनर्जी मिली हुई है वो क्या है, अनस्टेबल। तुमने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते भी हैं केमिस्ट्री में या कहीं पे भी, किसी मॉलिक्यूल के पास जब एनर्जी मौजूद होती है तो वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए उसको अपने अंदर से क्या निकालना होगा, एनर्जी को रिलीज करना होगा। क्लियर है, स्टेबल होने के लिए उसको अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करना होगा। अब होता क्या है, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट बन गया बट एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज होते 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 फाइनली वो यहां तक आया। जब उसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी, अब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यही वो लाइन है जो यहां पर कह रहा है एनर्जी स्टेटस, है ना, जो यहां पर ये बात करने की कोशिश कर रहा है, ये एनर्जी स्टेटस की वो ये चीज है। क्लियर है, बात समझ में आई, एनर्जी स्टेटस क्या है, किस लेवल में हम लोग यहां बात कर रहे हैं। ये चीज अगेन मैं तुम लोगों को बता दूं, अभी ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगेन तुम्हारे पास कहां पे आएगा, केमिस्ट्री क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 में आने वाला है फिर से ये, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहां पे फिर से डिटेल में आएगा। क्लियर है, फिलहाल हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से इतना समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देता है। क्लियर है, ओके आओ देखें जरा इसको अब क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, जो वाई एक्सिस है उसके अंदर क्या है, एनर्जी कितनी है सब्सट्रेट का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, छोटा कर लें इसको, ग्राफ एक साथ ही आ जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसके स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक्स एक्सिस यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, या हम कह सकते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यू वुड नोटिस टू थिंग, तुम दो चीजें नोटिस करोगे, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। एनर्जी लेवल देखो, सबस्टेट के पास इतना था, अब यहां से लेके यहां तक ये एनर्जी इतनी, देखो इसके पास और भी ज्यादा क्या होगी, कम होगी और डिक्रीज होगी इसके पास, है ना, इससे भी ज्यादा कम आ गई। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल में डिफरेंस तुमको साफ साफ नजर आ रहा है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या है, मेरे पास कम है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या है, कम है। आगे आते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, इफ पी इज एट लोअर, क्या कह रहा है, अगर P इज एट लोअर लेवल देन S, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी, इसने और एनर्जी निकाल दी है, तो चैप्टर नंबर 6 अगर पढ़ चुके हो, इनथेरेपी वाला डेल्टा H, ये कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसने अपने अंदर से एनर्जी निकाल दी। ओवरऑल प्रोडक्ट की एनर्जी देखी जाएगी, बीच में तो हमने दी थी इसको एनर्जी, लेकिन फाइनल जब स्टेबल हुआ ये, तब तक ये बहुत सारी एनर्जी निकाल चुका था। क्लियर है, कैसी हो गई ये, एक्सोथर्मिक। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, हमको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, क्या रहा है, बात को समझते थोड़ा सा, क्या कह रहा है, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, किसी को एनर्जी देने की सप्लाई नहीं है बाय हीट, हीटिंग के द्वारा, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction, चाहे ये exothermic हो या spontaneous, जो अपने आप reaction हो जाए, और an endothermic or energy requiring, endothermic मतलब जहाँ पे energy हमको देनी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे energy हो, यानी कि endothermic का मतलब क्या हो गया, इस product के पास क्या होगा, इस product के पास, endothermic का मतलब क्या होगा, finally ये product आते आते यहाँ पे बन जाएगा product, ठीक है, finally आते आते ये यहाँ पे product बन जाएगा, तो इसकी एनर्जी ये रही और इस प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा, यानी कि इसके पास इतनी एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है, तब मैं कहूंगा कि ये प्रोसेस मेरी कैसी थी, एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। हाउएवर वेदर एक्सोथर्मिक तो एंडोथर्मिक है, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, किसी को एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए। हाउ एवर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, एस को एक हायर एनर्जी स्टेट से गुजरना ही पड़ेगा, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो एस है उसको एक हायर एनर्जी स्टेट से गुजरना पड़ रहा है, फिर वो नीचे आता है, तो इसको एक हायर एनर्जी स्टेट से गुजरना ही
पड़ेगा। इसको मतलब ये नहीं है कि हमने इसको एनर्जी दे रहे हैं, इससे हम ये आइडिया नहीं लगाएंगे कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को देखकर ही अपनी एनर्जी मतलब रिएक्शन का आइडिया लगाएंगे कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये? ठीक है, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम डेट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो उसको बता दिया उसने जो मेन एनर्जी थी और जितना उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगी अपना स्टेट को बदलने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, इसी एनर्जी को क्या नाम दिया गया है? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी, अंततः एंजाइम इसी एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी, जिससे कि एस से पी का ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। क्लियर है? बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली यहाँ कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का था। ठीक है, यहाँ बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें इतना समझ लेना है एंजाइम के पास एक एंजाइम क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मली इतनी चाहिए थी उस एनर्जी को डाउन कर देता है ये। ठीक है, बस इससे ज़्यादा फिलहाल अभी समझने की जरूरत नहीं, बाद बाकी सारी बातें केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ जाओगे, फिलहाल यहाँ पे हमको इतना ही समझ के चलना है। आगे आते हैं। ओके, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, है ना, एंजाइम के एक्शन के नेचर के बारे में बात करेंगे, है ना, किस तरह से प्रोसेस कर रहा है वो। ईच एंजाइम ई हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, पॉकेट जो होते हैं उसके, उसमें आगे सबस्ट्रेट फंसेंगे। इन इट्स मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें पॉकेट सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए साइट होती है जिसको हम पॉकेट कहते हैं। सो डैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब क्या होगा जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, एक ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट जो कि हाईली रिएक्टिव होता है ये बन जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगा, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब शॉर्ट लिव्ड बहुत थोड़ी देर के लिए जिंदा रहेगा, जिंदा रहने मतलब है थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर खटाक से टूट जाएगा। अब होगा क्या, एंड डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट, ये जो सबस्ट्रेट था सबस्ट्रेट को किसे बदल दिया इसने, प्रोडक्ट में, और फाइनली प्रोडक्ट को अपने अंदर से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, ओके, एंड द अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड द डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई, जो कि डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में टूट जाएंगे। ओके, और जो एंजाइम है वो अपने विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये जो ईपी कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये जो एंजाइम सब्सट्रेट है वो पहले एंजाइम सब्सट्रेट बना, एंजाइम इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, और फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस, ये आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, क्या ईएस का बनना जरूरी है? यस, बिना एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के बिना आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है, चलें आगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, जो कैटालिटिक साइकिल है उसकी किस तरह से कैटलाइज किया इसको हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं। फर्स्ट, द सब्सट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, सबसे पहले सब्सट्रेट क्या होगा, सब्सट्रेट क्या होगा, आकर के यहां पर एक्टिव साइट पे बंध जाएगा, वही सारी कहानी चल रही है बार बार। ओके, ठीक है, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, और बंधेगा फिर फिट हो जाएगा, यानी कि फिर उसको कसाव देता है ये, जिससे कि सब्सट्रेट निकले ना। क्लियर है? ओके, द बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू आल्टर इट्स शेप, जैसे वो बंधेगा वो इंड्यूस करता है एंजाइम को प्रोवोक करता है, एक मजबूर करता है कि वो उसका शेप बदल दे, कौन, एंजाइम सब्सट्रेट का शेप बदल दे, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सब्सट्रेट। अब मान लो एंजाइम ऐसा था, इसके बीच में आकर के यहाँ पर सब्सट्रेट फंस गया, उसके बाद एंजाइम को मजबूर होना पड़ता है कि कस दे इसको, ताकि जब इसके ऊपर रिएक्शन हो तो निकले ना, कस दिया इसको। ठीक है, देन ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सब्सट्रेट, अब बिल्कुल टाइट हो गया ये, तो जो एक्टिव साइट है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटली मतलब बहुत पास, एकदम चिपक गई है उसके साथ सब्सट्रेट के। ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सब्सट्रेट, और सब्सट्रेट के अब केमिकल बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करती है। एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और अब एक नए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो तो टूट गया, तो अब जो बन के तैयार हो रहा है वो एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहा है। द
एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन को रिलीज कर देगी, छोड़ देगी, निकाल देगी, एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी। अब जो एंजाइम फ्री हो गया है वो रेडी हो गया है टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए, ऑफ द सब्सट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। और इस तरीके से कैटालिटिक साइकिल द्वारा से चालू हो जाएगी। क्लियर है? स्टेप वन बांधना, स्टेप टू एकदम टाइट कर लेना, स्टेप थ्री प्रोडक्ट में बदलना, स्टेप फोर प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। क्लियर? चलें आगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, आखिरकार एंजाइम के काम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो सकती है बाय चेंज इन द कंडीशंस विच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो सारी कंडीशन जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगी, किसको प्रभावित करेंगी, जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगी, वही सारी कंडीशंस प्रोटीन जो एंजाइम है उसको भी अफेक्ट करेंगी। ऑब्वियसली बात है, जो प्रोटीन का एक्टिव पार्ट होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, अगर वही टर्शियरी स्ट्रक्चर ही क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो एंजाइम भी काम करना बंद कर देगा। क्या कह रहा है? दीज इंक्लूड, इन कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हैं, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी के नाम से तो तुमको फटाक से चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन दे दिया टर्शियरी स्ट्रक्चर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो जल्दी से दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं। क्लियर है? ओके। तो टेम्परेचर, पीएच चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट द एक्टिविटी, है ना, उस खास केमिकल का जुड़ना जो कि एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कुछ और खास केमिकल्स होते हैं जो एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। क्लियर है? तो आओ देखें क्या कह रहा है ये पीएच के बारे में, टेम्परेचर और पीएच। तो ये कह रहा है, तो यहाँ बातें हमारे लिए कुछ सिंपल हो जाएंगी। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज, बहुत पतले रेंज में, है ना, मतलब जो काम करने का इनका रेंज होता है बहुत पतला रहता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, तो एंजाइम जो अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, वो 20 से 25 डिग्री पे काम करेंगे, है ना। या मान लो जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, 37 डिग्री के उससे बहुत 0.01 में इधर उधर अंतर हो जाए तो ठीक, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हमारी बॉडी के एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 बना ही रहता है, पता है ना, ऑल टाइम 37 रहता है, 37 से अगर बढ़ता है तो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है फिर हमारी बॉडी में, ठीक है। तो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करते हैं, सेम पीएच के लिए है। पीएच का भी रेंज बहुत नैरो, मतलब कि चेंज नहीं होना चाहिए कि पीएच कभी 3 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, मर जाएंगे एंजाइम सारे, ठीक है ना। ओके। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, हर एक एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर और एक खास पीएच पर, ठीक है ना। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर और खास पीएच पर सबसे ज्यादा हाई एक्टिविटी दिखाता है, उस टेम्परेचर और पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, वो टेम्परेचर और पीएच है जिसपे, जिन पर एंजाइम सबसे ज्यादा अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, उससे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एक्टिविटी गिर जाएगी, टेम्परेचर घटा देंगे तो एक्टिविटी गिर जाएगी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम्स इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट, यहाँ पे एक अलग बात बता रहा है, अगर टेम्परेचर लो कर दोगे तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, वैसे ही वैसे ही इनएक्टिव हो जाएंगे, रहेंगे वैसे ही, बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, टेम्परेरली कुछ देर के लिए। वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही खत्म कर देता हाई टेम्परेचर। तो दोनों में अंतर है, लो में क्यों नहीं काम करते हैं, वो प्रिजर्व हो गए, है ना, जैसे कि हम ठंडी चीज़ों में किसी चीज़ को, जैसी चीज़ है वैसी की वैसी रहती है, वैसे एंजाइम क्या है, अपना काम करना बंद कर देंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। हाई टेम्परेचर में पूरा उधड़ जाता है एंजाइम, यानी कि प्रोटीन पूरी उधड़ जाती है, पॉकेट ही खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट, अभी हमने डिस्कस किया था डीनेचर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम बना के दिखा दिया इन्होंने, कुछ खास नहीं है कि एंजाइम की एक्टिविटी पीएच, एक खास रेंज रहेगी पीएच की एक खास रेंज रहेगी जिस पर सबसे ज़्यादा काम करेगा, टेम्परेचर की एक खास रेंज रहेगी, इससे टेम्परेचर गिरेगा तो एक्टिविटी गिर जाएगी, बढ़ेगा तो एक्टिविटी गिर जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक वो दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, जैस ये यहाँ पर क्या रखा है, कंसंट्रेशन, और ये है सब्सट्रेट, वेलोसिटी
ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहां पर क्या दे रहा है ये सब्सट्रेट हो गया और ये आ गया मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यहां पर सब्सट्रेट, ये क्या है मेरे पास सब्सट्रेट है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे मेरे पास जिसके ऊपर एंजाइम को काम करना है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मेरी रफ्तार बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही और एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट होगी। क्यों कॉन्स्टेंट होगी भाई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एंजाइम मेरे पास है 1000 एंजाइम है, तो शुरुआत में सब्सट्रेट कितने थे 10, ये एस की वैल्यू कितनी है 10 से हुई 100, 100 से हुई 500, 500 से हुई 1000। अब 1000 सब्सट्रेट को तो एक साथ 1000 एंजाइम में बदल देंगे, लेकिन जैसे ही 1000 से ये 2000 हो जाएंगे, एंजाइम तो 1000 ही है ना, ये तो 1000 सब्सट्रेट को ही चेंज करेंगे, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी। बात समझ में आई, स्टार्टिंग में तो बड़ा, फिर क्या हो गया कांस्टेंट, क्यों, कंसंट्रेशन जो था सब्सट्रेट का वो भले बढ़ जाए, एंजाइम तो 1000 ही है, ये 1000 एक नंबर ले लिया मैंने एग्जांपल समझाने के लिए, तो एंजाइम तो 1000 है तो 1000 मॉलिक्यूल को ही बदलेंगे, चाहे यहाँ पे 5000 सब्सट्रेट कर दो तुम फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में देखें सब्सट्रेट जब 10 था, 10 से 100 हुआ तो 100 बदलने लगे, 100 से 500 हुआ 500 बदलने लगे, 500 से 1000 हुआ 1000 बदलने लगे, तो शुरुआत में जैसे जैसे सब्सट्रेट बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे पास क्या था, रफ्तार बढ़ रही थी। क्लियर है, तो उसी को समझा रखा है ये इस तरह के डायग्राम से। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये एंजाइम की एक्टिविटी का, अपने कोर्स में सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम मतलब फिगर देकर के इसको खत्म कर दिया गया। क्लियर है, क्लियर, चलें आगे। कंसंट्रेशन, आप देखो उसी कंसंट्रेशन और सब्सट्रेट की छोटी सी कहानी यहां लेकर के आया है एनसीईआरटी में, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं क्या कह रहा है ये आराम से। विद द इंक्रीज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस फर्स्ट। सबसे पहले जैसे जैसे सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, देखी हमने, देखी ना वेलोसिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, आगे आते हैं। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी, अल्टीमेटली होगा क्या, एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, यहीं से आ गई। क्लियर है, वी मैक्स, ओके, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट, जो कि आगे नहीं बढ़ती है वेलोसिटी, वो वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ेगी चाहे भले ही फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, चाहे तुम सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर दो, बट वो वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ती है। दिस इज बिकॉज, ओके, अब कह रहा है ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, वही वाली कहानी आगे जो मैंने समझा रहा था अभी, एंजाइम तो 1000 ही है, ये भले 2000 हो जाए तो फायदा क्या होगा, है ना, एंजाइम मॉलिक्यूल कम हो गए सब्सट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ गए। ठीक, आफ्टर सैचुरेशन, इसी चीज को क्या कह दिया गया, सैचुरेशन हो गया, जितना एंजाइम उतना ही सब्सट्रेट, अब सैचुरेशन हो गया, तो आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल, अब कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं है जो बाइंड करे एडिशनल सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को, जो और सब्सट्रेट से उनको आकर के एंजाइम क्या करे, बाइंड कर ले। ठीक है, अब यहां पर सारी बातें सब्सट्रेट और एंजाइम के टर्म में चल रही है, सब्सट्रेट दिमाग में सेट कर लेना, सब्सट्रेट वो केमिकल होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है। क्लियर है, ओके, अब क्या कह रहा है, ये कहानी समझ में आई कि क्यों हमारे पास ये ग्राफ ऐसे जा करके एक टाइम पे ऐसे हो गया, है ना, ये एक लिमिट आ गई यहां पर। क्लियर है, अब आगे क्या कहना चाह रहा है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम, अब यहां पर एक नई बात कह रहा है, एक तो कंसंट्रेशन वाला जिक्र हो गया यहां पर, ठीक है, अब यहां पर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये देखो यहां पर एक लाइन थी अभी फैक्टर अफेक्टिंग में, सब्सट्रेट चेंज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, और एक लाइन ये वाली, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, यानी कि कुछ वो केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं उनका भी असर पड़ता है, उसी का जिक्र यहाँ पे कर रहा है अभी ये। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, कुछ खास केमिकल्स के लिए एंजाइम की एक्टिविटी स्पेसिफिक है, ठीक है, वो केमिकल्स, ठीक है, एंजाइम से जुड़ते हैं और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। When the binding of the chemical shut off enzyme activity, the process is called inhibition. ऐसा हो सकता है वो केमिकल जैसे ही एंजाइम से जुड़ेंगे उसकी एक्टिविटी को शट ऑफ, बंद कर देंगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनहिबिशन, रोक देना, लिख लो हिंदी, स्टॉप कर देना, एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर, और उस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटर, रोकने वाले को इनहिबिटर, प्रोसेस को इनहिबिशन।
रोक दिया, किसने रोका? इनहिबिटर ने रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, इनहिबिशन हो गया। क्लियर है? अब उस केमिकल की बात चल रही है, ये आगे आते हैं, ठीक है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, कह रहा है जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा होता है इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो बिल्कुल कैसा होता है, सबस्ट्रेट की तरह होता है। एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। होता क्या है, चलो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये पॉकेट थी, यहां पर आकर के किसको लगना था, सबस्ट्रेट को लगना था। बट हुआ क्या, अब मैं काम करता हूं, इनहिबिटर को कलर रेड लेता हूं और वो आकर के यहां पे चिपक गया, बिल्कुल उसी के जैसा था हुबहू। अब जगह भर गई, जगह भर गई, तो क्या सबस्ट्रेट आकर के यहां फिट हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, सबस्ट्रेट आकर के फिट नहीं हो पाएगा। अब तुम कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत सारी जगह है, अरे सब में आके ये जो इनहिबिटर है ये सब में आके चिपक जाता है, ठीक है। ये इनहिबिटर मैंने तो एक ही दिखाया, हाँ इनहिबिटर, ये जो है सभी पॉकेट्स में आके फिट हो जाते हैं, ये पूरा पूरा एंजाइम को बेकार कर देते हैं, जगह ही नहीं खाली छोड़ी अब किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए। तो कॉम्पिटिशन कर लिया उसने, क्या कर लिया, कॉम्पिटिशन, कि नहीं मैं जाऊँगा वहां पर, तो इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्लियर है? ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम। काफी उसके जैसा मिलता जुलता है तो क्या करता है, फाइट करता है, मैं पहले जाऊंगा तू नहीं जाएगा, है ना। इनहिबिटर कह रहा है मैं जा रहा हूं और जाकर के चिपक जाता है, उसको पीछे छोड़ देता है, उससे ज्यादा तेज होता है ये, क्योंकि उसके जैसा दिख रहा है, एंजाइम भी पहचान नहीं पाता कि कौन है, उसको जगह खाली कर रखी है उसने, तो जो आगे घुस जाएगा उसको काम करेगा, लेकिन एंजाइम को बाद में समझ में आता है कि मैं तो इसके ऊपर काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, इसके ऊपर काम हो ही नहीं पा रहा, तो ये इनहिबिटर है रुका हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड एंड एज ए रिजल्ट सबस्ट्रेट अब जुड़ नहीं पाता है, कैनॉट बाइंड, एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, एंजाइम का एक्शन क्या होता है, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्लाइन मतलब कम हो जाना। एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। अब ये बिल्कुल तुम्हें एज इट इज याद रख लेना है, कौन सा एंजाइम है, कौन इनहिबिटर है और कौन सबस्ट्रेट है। क्लियर है? सक्सिनिक एंड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, मेलोनेट इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट इज सक्सिनेट, जिसके ऊपर की अलग एंजाइम काम करेगा। क्लियर है? लिख लेना बकायदा यहाँ पर, एंजाइम कौन, सबस्ट्रेट कौन, इनहिबिटर कौन, ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। ओके, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन अक्सर यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ऐसा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई गई बीमारियों को रोकने के लिए। क्लियर है? चले आगे। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। क्लासिफिकेशन, तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, अब तक बहुत सारे एंजाइम, हजारों एंजाइम खोजे जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं, आइसोलेट मतलब अलग किए जा चुके हैं, एंड स्टडीड, उनको पढ़ा जा चुका है। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड, ज्यादातर एंजाइम को क्लासिफाइड किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, वो किस टाइप का रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, किस टाइप का रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हैं उसके आधार पर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लासेस, छह क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, ईच विद 4 to 13 सब क्लास, और हर क्लास की 4 to 13 सब क्लास है, एंड नेम अकॉर्डिंगली बाय 4-digit नंबर, और 4-digit नंबर के हिसाब से हमने उसका नेमिंग कर दिया। देखो जरा क्या है, पहला मेरे पास क्या बता रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एच डैश, क्या करेगा, दो हैं, ठीक है, एस रिड्यूस, एक को ऑक्सीडाइज कर देगा, एक को रिड्यूस कर देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने वाले एंजाइम का नाम क्या पड़ गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, ओके, ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज मतलब एक से दूसरे में शिफ्ट करा रहा है, ये यहाँ पर क्या है, ट्रांसफरेज में क्या हो जाएगा, ये देखो जा रहा, इस वाले सबस्ट्रेट से इस वाले पार्ट को निकाल कर वो इसमें जोड़ देगा, जो एंजाइम ट्रांसफर कराएगा मॉलिक्यूल्स को और रिएक्शन को फास्ट कराएगा, जिसमें उसका मेन काम होता है ट्रांसफर कराना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफरेज। एंजाइम कैटलाइजिंग या
ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ठीक है जी, अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके, मार्क कर लेना इसको, हाइड्रोजन को छोड़ करके बिटवीन अ पेयर ऑफ सब्सट्रेट इज कॉल्ड ट्रांसफरेसिस एंजाइम, हाइड्रोलिसिस एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिजिंग ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक सीसी सी हैलाइड और पीएन बॉन्ड, है ना, मेनली क्या रहेगा यहाँ पे, बॉन्ड को तोड़ने का काम रहेगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोलिसिस करवाना, बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। लाइसिस की बात करें, लाइसिस में भी क्या रहेगा, ब्रेकिंग होता है, एंजाइम डेट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर और पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक सीसी और हैलाइड और पीएन बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का टूट रहा है, क्या ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। लाइसिस में क्या है, रिमूवल ऑफ ग्रुप, ये मार्किंग करते चलना, मेन मेन काम क्या है, फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करवा देगा बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को छोड़कर किसी दूसरे मैकेनिज्म से इसको अलग कराएगा, और क्या होगा ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छा हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों ग्रुप को यहाँ से निकाल दे रहा है, ये यहाँ पर आकर क्या बना रहे, डबल बॉन्ड बना ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये दोनों ग्रुप यहाँ से अलग हो गए, डेट इज योर लाइसिस, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, जिसमें ट्रांसफर करवाएगा ट्रांसफरेसिस, जब हाइड्रोलिसिस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है हाइड्रोलिसिस, ग्रुप का रिमूवल हो रहा है लाइसिस, क्लियर, बात समझ में आ रही है किस हिसाब से नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, ओके। आइसोमरेसिस, आइसोमरेसिस सुना है ना, सेम केमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, सॉरी सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन, क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स, जितना भी टाइप का आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जान गए होंगे आइसोमरिज्म क्या होती है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग वेट करें, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब तुम लोग क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, उसमें आइसोमरिज्म का पार्ट काफी अच्छे से है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, C4H10, तो ये क्या हो गया, CH3CH2CH2 और क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। अब इसी को अगर एंजाइम लग करके यहाँ पर एंजाइम इसको क्या कर दे, CH3CH CH3 और CH3, क्या नाम हो गया इसका, 2-methyl propane, 2-methyl propane, तो ये क्या कर गया, इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी यही है, बट स्ट्रक्चर बदल गया, तो यही हो गया आइसोमरिज, ठीक है ना। अब इसमें पोजीशन, ऑप्टिकल, ये सारी बातें उसमें समझ में आएगी ऑर्गेनिक में, ठीक है, ये भी आइसोमरिज्म के टाइप्स होती हैं। लाइगेसिस, एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग, देखो जो जोड़ने का काम करेगा एंजाइम दो को, ऑफ टू कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन एंजाइम का एक कॉमन नाम डाला गया, किस ग्रुप में डाले गए, लाइगेसिस में डाले गए, जैसे कि एग्जाम्पल है विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ CO CS CN PO एक्सेट्रा बॉन्ड, है ना, इन सब बॉन्ड को जोड़ने का जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेसिस बोलते हैं, क्लियर है, जनरल बातें हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा लगता होगा कि ये सब चीज़ें क्या है, बट परेशान ना हो, बिल्कुल जैसा है, लाइगेस मतलब जोड़ना, ठीक है, आइसोमरेज मतलब चेंज कर देना, अभी फिलहाल जस्ट इसको ऐसे ही रखें, जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ेगा ये सब चीज़ें जब दोबारा रिपीट करोगे बहुत आराम और अच्छा लगेगा और ईजी लगने लगेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके। क्योंकि ये सारी कुछ बातें ना केमिस्ट्री से भी लिंकअप है, कहीं कुछ फिजिक्स से तो अभी लिंकअप नहीं आया है, कुछ बातें केमिस्ट्री की भी लिंकअप हो रखी हैं, तो केमिस्ट्री जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे तो ये सारी वर्डिंग तुम्हारी और भी ज़्यादा आसान लगने लगेगी, ओके। एंजाइम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोफैक्टर्स, क्या है कोफैक्टर्स, तो आओ देखते हैं कोफैक्टर्स क्या है। तो कोफैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं ये, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, एंजाइम के पास एक और एक से कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड याद है ना, अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड होंगे, ठीक है। हाउएवर तो भी देर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, एक तो ठीक है प्रोटीन मौजूद है अच्छी बात है, उसके अलावा भी तो भी है ना, हाउएवर देर आर नंबर ऑफ केसेस, कई सारे केसेस में नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसका पार्ट होता है कॉल्ड कोफैक्टर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम, एंजाइम से जुड़े रहते हैं और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं,
बनाए रखते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर अलग चीज है और राइबोसोम अलग थे, वो नॉन प्रोटीन कैटलिस्ट थे। बात समझ में आ रही है? कोफैक्टर प्रोटीन वाले कैटलिस्ट के साथ ही जुड़े हुए कुछ पार्ट है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये नॉन प्रोटीन मतलब प्रोटीन के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, उसके अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी में काम करवा रहा है, वो क्या हो जाएंगे? कोफैक्टर। आओ आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। इन दीज इंस्टेंसेस, अगर हम यहां पर बात करें इस जगह की, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोला गया, ठीक है। थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर, ठीक है, थ्री पार्ट ऑफ, अच्छा, प्रोटीन पार्ट को क्या बोला गया? एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोल दिया गया? कोफैक्टर बोल दिया गया। दोनों को मिला करके एक वर्ड आता है होलो एंजाइम, यानी कि पूरा एंजाइम को क्या बोल दिया जाता है? होलो एंजाइम बोल दिया जाता है। लिख लो चाहे तो, होलो एंजाइम, पूरा पार्ट। इसके अंदर प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों कंबाइंड होते हैं, क्लियर है? फिलहाल यहां पे हमारे पास केवल किसका जिक्र है? एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट। थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाइड, अभी तक तीन तरह के कोफैक्टर ढूंढे गए हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। ये तीन चीजें हैं जो कि कोफैक्टर की तरह बिहेव करती हैं। तो आओ देखें जरा इनकी कहानी क्या है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अब यहां पे तुम लोग क्या करोगे, थ्री काइंड्स है ना, तो यहां लिखोगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, फिर क्या है मेरे पास? कोएंजाइम, फिर क्या है मेरे पास? मेटल आयन। इस तरीके से तुम लोग बना लोगे और इनका डिफरेंस है इस तरीके से लिखोगे, क्लियर है? मैं यहां समझा दे रहा हूं, तुम लोग इस तरह से चार्ट बना के करोगे, क्लियर? ओके ओके, ये पहला क्या आ गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन डेट, और दूसरों कोफैक्टर से अलग है कि टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, बहुत टाइटली जुड़ा होता है। तो यहां पहला आ जाएगा ऑर्गेनिक, टाइटली बाउंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल आ जाएगा तीसरे में, क्या है? इन परऑक्सीडेज एंड कैटालेज विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। इन परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, इनकी बात कर रहा है, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इन दोनों में अब एंजाइम लिख लेना, ये एंजाइम, इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम। इसका काम दे रखा है ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर, ठीक है ना। इसमें कौन आ गया? हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये एक्टिव साइट वाली जगह पर लगा हुआ रहता है, क्लियर है? कितना सिंपल हो गया। दूसरा, कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, कुछ देर क्षणिक, कुछ देर के लिए इसका लगाव होता है, जुड़ेगा और फिर अलग हो जाएगा। यूजली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, ये तभी आके जुड़ेगा जब वो कोई कैटालिसिस करवा रहा होगा, कौन? एपो एंजाइम, यानी कि एंजाइम जब कोई कैटालिस करेगा तभी आकर के कोएंजाइम आके जुड़ेंगे। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम, कह रहा है आगे, कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, कोएंजाइम वर्क करते हैं एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। वो जो कोफैक्टर कोएंजाइम होते हैं ना, वो कोफैक्टर की तरह कई सारे अलग अलग एंजाइम में काम कर जाएंगे, ठीक है। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिंस, जनरली कौन होते हैं? विटामिंस होते हैं ये। एग्जाम्पल, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन, ठीक है ना। जो कोएंजाइम है इसके अंदर दो बता दिए, NAD और NADP, इसके अंदर कौन मौजूद है? नियासिन मौजूद है। बात समझ में आ रही है? इनका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन होता है? विटामिन होते हैं, और ये दो एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर, क्लियर सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? कोएंजाइम ऑर्गेनिक, दोनों का सेम आ गया, ठीक है। ऑर्गेनिक के बाद दूसरी चीज दोनों में सेम क्या आ रही है? सेम नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ट्रांजिएंट होता है, ये टाइटली बाउंड होता है, ये आता है तब जब रिएक्शन हो रही होती है, फिर एग्जाम्पल आ जाएगा इसका। चले आगे, ओके, नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस, कई सारे एंजाइम्स को मेटल आयंस की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? मेटल आयंस की, फॉर देयर एक्टिविटी, अपने काम करने के लिए, ओके, यानी मेटल्स ही होते हैं, ओके, विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन, ये क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अब कुछ बच्चे का क्या क्या होता है सर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, उसमें एक था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद आया?
वही बॉन्ड बनाते हैं ये लोग विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट से साइड चेन निकली होती है वहीं पे जाकर के बॉन्ड बना लेते हैं एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सब्सट्रेट, उसी टाइम पे साथ साथ में ये सब्सट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, दोनों को दोनों साथ बनाएंगे, एंजाइम के साथ भी और सब्सट्रेट के साथ भी, पकड़ लिया बात समझ में आई? तो इसका डिफरेंस समझ में आया, बॉन्डिंग इसकी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, जुड़ता दोनों के साथ है, एंजाइम के साथ भी और सब्सट्रेट के साथ भी, ऊपर किसी में ऐसा कोई केस नहीं था। एग्जांपल आ गया जिंक कोफैक्टर ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन होता है? मेटल आयन जिंक, क्लियर है? तो इस तरह बना करके करोगे तो ये सिंपल हो गया, मेन मेन चीज मैंने बताई तुम्हें यहाँ पर। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी अगर हम लोग क्या कर दें, कोफैक्टर को हटा दें। विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जो ये बताती है, टेस्टिफाई करती है, हमें बताती है कि इनका बड़ा क्रूशियल मतलब निर्णायक रोल होता है कब, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एंजाइम जो कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं उनमें इनका एक निर्णायक रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना इसके एंजाइम्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्लियर है? तो चैप्टर हो जाता है ये बच्चों खत्म, ठीक है? इसको क्या करोगे, आराम से एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, कोशिश करो कि पहली बार 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 देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार देख करके उसमें से शॉर्ट नोट्स जो साइड में लिख लो या टैग करके चिपकाते चलो, और क्या करना है इसको बार बार रिवाइज करना है, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं उनको बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे, क्लियर है? क्लियर, तो क्या करना है, रिविजन। ओके, ऑल द बेस्ट।